अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी में इनफैक्ट इसका आंसर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखते हैं। कहा गया द ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विथ अल्फा पार्टिकल, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे, है ना। तो स्कैटरिंग एंगल थीटा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एंगल के हिसाब से जो स्कैटर्ड हो रहे हैं उसका ग्राफ आप देखेंगे एनसीईआरटी में बनाया गया है, है ना। उसका जो ग्राफ है वो थीटा के साथ में एन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया गया है। इनका एक रिलेशन भी होता है, यहाँ पर जो एन है ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पावर फोर थीटा बाई टू, है ना। यहाँ पर एन के जगह पर वाई दिया गया है, तो ये रिलेशन है वाई प्रोपोर्शनल टू वन डिवाइडेड बाई साइन पावर फोर थीटा बाई टू, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता है, है ना। बढ़ता है साइन थीटा का बढ़ता है तो वाई जो है वो घटेगा। थीटा का जो वैल्यू है वो जब हम लोग 180 डिग्री रखेंगे यानी कि पाई रेडियन रखेंगे तो उस केस में इसका वैल्यू डिनोमिनेटर का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। उस केस में ये पाई बाई टू हो जाएगा, साइन 90 डिग्री सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो उस केस में वाई जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा बल्कि, है ना। थीटा पाई रखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा और वाई सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पर सारे ग्राफ में थीटा का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पाई तक ले जाया गया है। तो जब थीटा का वैल्यू पाई होगा तो वाई का वैल्यू मिनिमम होगा, है ना। एक ये रिलेशन है, एक ये है, दोनों में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें जो डिक्रीज हो रहा है वो इस इक्वेशन के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा है, है ना। तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो भी सेकेंड ऑप्शन आएगा, और एनसीईआरटी का ग्राफ अगर याद हो तो ग्राफ के हिसाब से भी वो ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये करेक्ट ऑप्शन है।